जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो मतलब स्क्वायर जो छूटा हुआ था 50 तक करवाए थे और उसके आगे छूटा हुआ था, हम आप लोगों को बोले थे कि 100 तक जो स्क्वायर है आप लोगों को करवा लेना। स्क्वायर तो आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन 100 तक हम आप लोग को करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो 51 का स्क्वायर यानी कितना होता है? 51 का स्क्वायर होता है 2601 यानी कि 2601। और 52 का स्क्वायर होता है 2704। 52 का स्क्वायर कितना होता है? 2704। और 53 का स्क्वायर होता है 2809। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 2809। और 54 का स्क्वायर होता है 2916। 54 का स्क्वायर कितना होता है? 2916 यानी कि 2916। और 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025। और 56 का जो स्क्वायर होता है वो 3136। कितना होता है 56 का स्क्वायर? 3136। और 57 का जो स्क्वायर होता है वो 3249 होता है। 57 का स्क्वायर कितना होता है? 3249। 57 का स्क्वायर कितना होता है? 3249। और 58 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3364। 58 का स्क्वायर कितना होता है? 3364 यानी कि 3364। और 59 का यानी कि 59 का स्क्वायर जो होता है, मैंने 59 का वर्ग जो होता है वो होता है 3481। 3481 यानी कि 3481। और 60 का स्क्वायर होता है 3600। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। और 61 यानी कि 61 का स्क्वायर होता है 3721। कितना होता है? 3721। 61 का स्क्वायर कितना होता है? 3721। और 62 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3844। 3844। 62 का स्क्वायर कितना होता है? 3844। और 63 का जो स्क्वायर होता है 3969 यानी कि 3969 कितना होता है? यानी कि 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर कितना होता है? 3969 होता है 63 का स्क्वायर। और 64 यानी 64 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4096। कितना होता है? 4096। और 65 का जो स्क्वायर होता है 65 का स्क्वायर होता है 4225। कितना होता है? 4225। 65 का स्क्वायर कितना होता है? 4225। और 66 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4356। कितना होता है? 4356 यानी कि 4356। कितना होता है? 4356। और यानी कि 67 का स्क्वायर होता है 4489। 67 का स्क्वायर कितना होता है? 4489। कितना होता है 67 का स्क्वायर? 4489। और 68 का जो स्क्वायर होता है वो 4624 होता है। 68 का स्क्वायर कितना होता है? 4624। और 69 यानी कि 69 का जो वर्ग होता है वो होता है 4761। कितना होता है? 4761 यानी 4761। और 70 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4900। 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। और 71 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5041। कितना होता है? 71 का स्क्वायर 5041। 71 का स्क्वायर कितना होता है? 5041। और चलिए 72 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5184 यानी कि 5184 होता है 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 5184। और 73 यानी कि 73 का जो स्क्वायर होता है वो 5329 होता है। कितना होता है? 5329। और 74 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5476। कितना होता है 74 का स्क्वायर? 5476। और 75 का जो स्क्वायर होता है वो 5625 होता है। 75 का स्क्वायर कितना होता है? 5625। और 76 का जो स्क्वायर होता है
वो होता है 5776। कितना होता है 5776, 76 का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट में 76 है, 76, लेकिन 76 का स्क्वायर कितना होता है 5776, 5776। और 77 का जो स्क्वायर होता है वो 59 यानी कि 5929। 77 का स्क्वायर कितना होता है 5929, कितना होता है 77 का स्क्वायर 5929। और 78 यानी कि 78 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6084 यानी कि 6084, 6084। और 79 यानी कि 79 का जो स्क्वायर होता है वो 6241 होता है। कितना होता है 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर कितना होता है 6241, 6241 होता है। किसका स्क्वायर 79 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर कितना होता है 6241। और 80 का जो स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर होता है 6400, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। और 81 यानी कि 81 का स्क्वायर जो होता है वो 6561 होता है, कितना होता है 6561। और 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। और 80 का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 81 का स्क्वायर होता है 6561। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट बना ही लीजिएगा अच्छा रहेगा। तो चलिए यानी 82 का जो स्क्वायर है वो है 6724, कितना है 82 का स्क्वायर 6724। और 83 का जो स्क्वायर है वो 6889, 83 का स्क्वायर कितना है 6889 यानी कि 6889। और 84 का जो स्क्वायर है वो 7056, 84 का स्क्वायर कितना है 7056। और 85 का जो स्क्वायर है वो है 7225, 7225, 85 का स्क्वायर कितना है 7225, 85 का स्क्वायर कितना है 7225। और 86 का जो स्क्वायर है वो 7396, कितना है 86 का स्क्वायर 7396। और 87 का जो स्क्वायर है वो है 7569, 87 का स्क्वायर कितना है 7569, 87 का स्क्वायर कितना है 7569। और 88 का स्क्वायर जो है वो है 7700, देखिए यहाँ 7744, 88 का स्क्वायर कितना है 7744, 88 का स्क्वायर कितना है 7744। और 89 का स्क्वायर जो है वो है 7921, 89 का स्क्वायर कितना है 7921, 89 का स्क्वायर कितना है 7921। और 90 का स्क्वायर है 8100, 90 90 का स्क्वायर कितना है 8100, 8100। और 91 यानी कि 91 का जो स्क्वायर है वो है 8281, कितना है 91 का स्क्वायर 8281। और 92 का स्क्वायर है 6464, 92 का स्क्वायर कितना है 6464, 92 का स्क्वायर 6464। और 93 का स्क्वायर जो है वो 8649, कितना है 8649 यानी कि 8649, कितना है 93 का स्क्वायर 8649। और 94 का जो स्क्वायर है वो है 8836, 94 यानी कि 94 का स्क्वायर कितना है 8836। और 95 यानी 95 का जो स्क्वायर है वो 9025, 95 का स्क्वायर कितना है 9025, 95 का स्क्वायर कितना है 9025 यानी कि 9025। और 96 यानी 96 का जो स्क्वायर है वो है 9216, 96 का स्क्वायर कितना है 9216, 9216, 96 का स्क्वायर कितना है 9216। और 97 का स्क्वायर है 9409, 97 का स्क्वायर कितना है 9409, 9494, 97 का स्क्वायर 9409, 97 का स्क्वायर 9409। और 98 का जो स्क्वायर है वो है 9604, 98 का देखिए देख रहे एकदम सिमिलरिटी मिल रहा है, यानी कि 98 का स्क्वायर कितना है 9604, कितना है 9604, 98 का स्क्वायर 9604, 98 का स्क्वायर 9604।
और 99 का स्क्वायर है वो 9801, 99 का स्क्वायर 9801, 99 का स्क्वायर 99 के स्क्वायर 9801, 9801 यानी 9801, और लास्ट है 100, यहीं तक हम यानी कि कहे थे। तो 100 का स्क्वायर जो है वो होता है 10,000, कितना होता है 10, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रहने देते हैं, जितना भी हम पढ़ाए हैं सबको एक नोटबुक में लिख लीजिए और सबको याद कीजिए, ठीक है। आप याद नहीं करते हैं तो मैथ बनाने में यूज कीजिए इसी का, समझ गए, मैथ बनाने में यूज कीजिए, बनाते 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 वाला अपने याद हो जाएगा ये सब भी। या ऐसा है कि याद कर लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, अब याद करने कोई भार नहीं है, घूमने भी जा रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा के क्लास चालू कर घूमते रहिए, याद हो जाएगा, 100% याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। तो ठीक है, अब यानी कि 1 से 100 तक स्क्वायर जो पढ़ाए हैं उस सबको अभी, मतलब ऐसा तो 50 तक ज्यादा यूजफुल रहता है, लेकिन 50 के बाद जो है वो थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन उसका भी यूज होता है, ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं होता है, उसका भी यूज होता है। तो ठीक है, यानी कि ऐसा तो खैर यूट्यूब पर मिलेगा नहीं आपको, पहली बार यानी कि हम ऐसा करा रहे हैं 1 से 100 तक स्क्वायर फर्स्ट टाइम। तो आप लोग शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।